डोईवाला की आर्थिकी की रीढ़ कही जाने वाली गढ़वाल मंडल की एकमात्र सरकारी चीनी मिल के पराई सत्र का आज उद्घाटन हुआ। मिल का उद्घाटन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने किया। इस मिल का पराई सत्र किसानों के लिए बड़ा ही अहम होता है। इस मिल के चलने से किसानों के साथ हर वर्ग को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचता है। वहीं गन्ने का समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार के मूल्य घोषित होने के बाद ही उत्तराखंड में भी गन्ना मूल्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें किसानों के हित को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने किसानों से अगोला रहित साफ गन्ना मिल में पहुंचाने की अपील की है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हम लोग पूजा पाठ करके इसका पराई सत्र का उद्घाटन करते हैं, तो आज वो सब हमने किया है। और तमाम जो किसान यहाँ पे एक आस लगा के आते हैं, उनको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पहले जो गन्ना लेके किसान आए हैं उनको भी सम्मानित किया है। क्रेन में गन्ना डाल के इसकी शुरुआत करेंगे। और फिर से मैं सबका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, सभी का सहयोग इसके लिए रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये हमारी शुगर मिल हमेशा एक सबके भविष्य का भी एक आधार बनती है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ सब मिलके इसके आने वाले टाइम के लिए, जैसा पिछली बार बहुत अच्छा ये पेराई सत्र चला था, इसकी रिकवरी हमारी शुगर मिल एक अच्छी शुगर मिल हो और हमारे यहाँ के जो किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो आत्मनिर्भर बने, अपने स्वावलंबी बने और इस शुगर मिल का हमारा जो व्यापारी व्यवसाय है, अन्य लोग भी हैं, ये उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी ये रीढ़ है इस क्षेत्र की है। तो इसके लिए जो भी अच्छा होगा गवर्नमेंट स्तर पर, शासन स्तर पर, हम लोग इसको करेंगे। मैं इस शुभ अवसर पर अपने सभी किसान भाइयों का, सभी व्यवसायियों का और जो इस मिल से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर इसका उत्पादन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का गन्ना, अच्छी क्वालिटी का गन्ना हम यहां से किसानों से ले रहे हैं और गन्ने